जय चिनेन्द्र वन्दतु धुव ममलमनोवं गते वोचामि समय पाहु मेण केवली भणि पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो समय समयसारजी महान ग्रंथाधिराज जिसके रचयिता आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज हैं उनके द्वारा रचित कर्तृकर्म महाधिकार हम समझ रहे हैं पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ ली ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है जो कर्तापन को स्वीकार करते हैं वे अज्ञानी हैं और जो अपने आत्मस्वरूप में लीन हो गए हैं शुद्ध आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं किसी भी प्रकार के कर्तापन को स्वीकार नहीं करते वास्तव में वे ही सम्यक ज्ञानी हैं वे ही शुद्ध ज्ञानी कहे गए हैं आज की इस कक्षा में आचार्य भगवान जो लोग ऐसा मानते हैं कि अन्य पर पदार्थों का कर्ता मैं हूँ वास्तव में उनका ऐसा मानना गलत है व्यवहारने की अपेक्षा से तो वह स्वीकार किया जा सकता है लेकिन फिर भी हम जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं यह निश्चय परक ग्रंथ है ये उन महान मुनि महाराज की अपेक्षा से ग्रंथ लिखा गया है जो अपने आत्म स्वरूप में लीन है स्वरूप से यदि वे होते हैं, तो उस अपेक्षा से भी आचार्यों ने उन मुनि महाराज को मिथ्या दृष्टि कहा है इसलिए व्यवहारने को भी यहाँ पर हे कह के वास्तव में निश्चय ने के स्वरूप को ग्रहण करने की बात की गई है व्यवहारण्य से किस प्रकार आत्मा किन किन पदार्थों का कर्ता अपने आप को स्वीकार करता है वो इस गाथा में हम पढ़ेंगे गाथा क्रमांक 105 निकाल लीजिए वारेण दुआदा वेण दु आदा करे दि पड़ रथाणी रथाणी दौवाणी घड़ पड़ रथाणी दौवाणी करणिय कम माणिया करो कम माणी है विविहाणी है विविहाणी बोलिए वह दुआदा करे दिघर पडरथाणि द वाणी कर्णाणि कम् माणी ह विहाणि वारण दुआदा करे दिघर पडरथाणि दवाणी करणियम है विविहाणी गाथा का अर्थ समझे व्यवहारेण दु आदा व्यवहारेण अर्थात व्यवहारने से दो मतलब तो आदा मतलब आत्मा आत्मा व्यवहारने से करेदी अर्थात करता है किसको करता है घड पड रथाणी दववाणी घड़ अर्थात घट अर्थात घड़ा मिट्टी का घड़ा आदि पड़ अर्थात पट अर्थात वस्त्र आदि और रथाणी अर्थात रथ गाड़ी आदि जितनी हैं इन सभी द्रवाणी अर्थात द्रव्यों को जो आत्मा है ये व्यवहारने की अपेक्षा से करता है आत्मा जो है व्यवहारने की अपेक्षा से घट पट रथ आदि पर पदार्थों का अन्य पर द्रव्यों का करता है इसके साथ में कर्णीय कम्माणीय कर्णाणी अर्थात जो कर्ण है अर्थात इंद्रिय हैं उन इंद्रियों को भी यह मतलब और कम्माणी अर्थात कर्मों को भी अर्थात कर्मों को भी इंद्रियों को भी और साथ में ऋणकम्माणी हैं नोकमाण नौकम्माण है, नोकम का तात्पर्य शरीर आदि जो नौकर्म कहे गए हैं यह मतलब इस जगत में इस संसार में और विविहानी और भी अनेक प्रकार के जो हैं द्रव्य कर्म हैं उन सबका कर्ता आत्मा होता है कहने का तात्पर्य क्या है आचार्य भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं आत्मा व्यवहार नये की अपेक्षा से इन सभी पदार्थों का करता है वास्तव में करता नहीं है जब हम निश्चय की बात करेंगे निश्चय से क्या कोई आत्मा किसी घड़े को बना सकता है क्या इस वस्त्र का निर्माण आत्मा कर सकता है आत्मा तो स्वयं अपने सिर्फ शुद्ध भावों का करता है अन्य जितने भी हैं ये सब व्यवहार नय की अपेक्षा से कहा जाता है और जब हम समय सार जी महान ग्रंथाधिराज पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर निश्चयने की प्रधानता को स्वीकार किया गया है इसलिए यहाँ व्यवहार ने को गौण करके निश्चय की अपेक्षा सो निश्चय ने की अपेक्षा को हमें अच्छी तरह से समझना है ऐसा नहीं है कि सामान्य लोक व्यवहार में जो कहा जाता हो वो झूठा है वो सही है वो व्यवहार की अपेक्षा से सही है इसलिए आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं व्यवहारेण व्यवहारने की अपेक्षा से फिर से देखें गाथा का अर्थ व्यवहारेण अर्थात व्यवहारने की अपेक्षा से आदा अर्थात आत्मा घट पट रथाण दवाणी करेदी घट पट रथ आदि द्रव्यों को करता है ये तो उदाहरण दे रहे हैं जैसे इस किताब को बनाने वाला मैं हूँ इस टेबल को मैंने बनाया इस वस्त्र को मैंने बनाया इस गाड़ी को मैं चला रहा हूँ व्यवहारने से यही तो कहा जाता है क्या कुम्हार घड़े को नहीं बनाता कहा ही जाता है व्यवहारने की अपेक्षा से उसे स्वीकार किया ही जाता है कर्ण्य कम माणी है इन इंद्रियों का करता मैं हूँ मैं अपनी आँख से देखता हूँ यह हाथ मुझे स्पर्श करा रहा है मैं अपने पैरों से चलता हूँ कमाणीय अर्थात कर्मों का जो द्रव्य कर्म है अथवा जो भाव कर्म है रागद्वेश आदि हैं ये भाव कर्म कहे गए हैं पुद्गल जो रूप में हैं अर्थात ज्ञानावरण दर्शनावरण जो आठ कर्म कहे गए हैं ये द्रव्य कर्म होते हैं इन द्रव्य कर्मों का करने वाला भी मैं खुद हूँ हम स्वयं विचार करें कर्म किसने किए आत्मा ने ही तो किए उन कर्मों के उदय का निमित्त प्राप्त करके जीव ने रागद्वेश किया और उन रागवेश के निमित्त से वे जो कार्मण वर्गण हैं वे कर्म रूप में परिणमित हुई तो व्यवहारने से यही कहा जाएगा कि इन कर्मों का कर्ता भी जीव ही है नौकम्माण अर्थात नौकर्म नौकर्म से तात्पर्य होता है शरीर शरीर ही नहीं शरीर आदि जितने भी अन्य पर पदार्थ हैं चाहे शरीर हो चाहे चेतन अचेतन जितनी वस्तुएं हैं पुत्र मित्र आदि हैं घड़ी बेल्ट आदि हैं या जितने भी पर पदार्थ हैं जिनके निमित्त से हमें द्वेष होता है वे नौकर्म की कोटि में आते हैं तो उनका भी करता मैं हूँ इसके अलावा और भी विविहाणी अनेक प्रकार के जो परद्रव्य हैं व्यवहारने की अपेक्षा से उन सभी का कर्ता आत्मा को कहा गया है गाथा का भावार्थ देखें व्यवहार से जगत में अर्थात संसार में आत्मा घट पट रथ आदि वस्तुओं को और इंद्रियों को अनेक प्रकार के क्रोधादि कर्मों को और शरीर आदि नवकर्म को करता है अर्थात व्यवहारने की अपेक्षा से आत्मा को इनका कर्ता माना गया है, है, तो है? व्यवहारने की अपेक्षा से तो कोई दोष नहीं है लेकिन जब निश्चय ने की अपेक्षा से कथन करेंगे तो निश्चित रूप से वहां पर दोष है हम उदाहरण से समझें व्यवहारने की अपेक्षा से हमने कहा घी का घड़ा लाओ घी का घड़ा लाओ ऐसा सुनने पर सामने वाले व्यक्ति ने जिस घड़े में घी भरा हुआ था वो वहाँ पर उसको ला करके दे देता है अब हम निश्चय नहीं की अपेक्षा से वास्तविकता पर विचार करें क्या घी का घड़ा बन सकता है उत्तर मिलेगा नहीं जब बन ही नहीं सकता तो क्या घी का घड़ा वहाँ पर वो उस व्यक्ति के द्वारा लाया जा सकता है उत्तर मिलेगा नहीं कहने का मेरा तात्पर्य है व्यवहार की अपेक्षा से तो घटपट आदि जो पदार्थ हैं इनका कर्ता आत्मा को मान सकते हैं लेकिन निश्चय नहीं की अपेक्षा से ऐसा मानना कतई उचित नहीं है और इसीलिए आचार्यों ने इस प्रकार की जो धारणा यदि किसी जीव की होती है तो वह धारणा उसकी मिथ्यात्व की धारणा कही गई है क्यों क्योंकि निश्चय नहीं की प्रधानता से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं समयसार जी हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं इसलिए अन्य पर पदार्थों का कर्ता आत्मा कैसे हो सकता है इष्टोपदेश जी में भी हम एक कारिका पढ़ते हैं वपुर गृह धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रु सर्वथान्य स्वभावानी मूढ़ स्वानी प्रपद्यते यह हमारा शरीर हमारा घर हमारी स्त्री पुत्र मित्र शत्रु ये सभी जितने भी पर पदार्थ हैं चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो ये सभी सर्वथा अन्य स्वभावानी पूर्ण रूप से अन्य स्वभाव रूप हैं मेरी आत्मा के स्वभाव में नहीं है मेरी आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान दर्शन रूप है ये तो सब अन्य पर रूप हैं पुद्गल रूप हैं ये मेरे कैसे हो सकते हैं लेकिन जो मूढ़ है अर्थात अज्ञानी व्यक्ति होता है मिथ्या दृष्टि होता है वो इन्हें अपना मानता है अर्थात यह स्त्री मेरी है यह पुत्र मेरा है इसको मैंने बनाया यह घर मेरा है इस प्रकार की जो मान्यता रखने वाला है और इसके अलावा छह डाला में भी हम पंक्तियाँ पढ़ते हैं मैं सुखी दुखी में रंक राव मेरे धन गृह गोधन प्रभाव मेरे सुततीय में सबल दीन बेरूप सुभग मूरख प्रवीण वास्तव में यदि हम व्यवहार की बात करेंगे तो यदि कोई सुंदर है तो वो अपने आप को कहेगा नहीं क्या मैं सुंदर हूँ वो व्यक्ति कोई काला है तो हम उसको कहेंगे हाँ ये तो कृष्णवर्णीय है व्यवहार की अपेक्षा से ये बात ठीक है लेकिन हम बात कर रहे हैं निश्चय की इसीलिए जो आपने प्रश्न किया उसमें यही आपत्ति है निश्चय ने की अपेक्षा से ये बात स्वीकार नहीं की जाएगी व्यवहार ने की अपेक्षा से इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं भैया जी आत्मा को इंद्रियों को करता कैसे कहा गया है ये तो आचार्य भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं बाह्य रूप से बहिरंग की अपेक्षा से यहाँ पर नौ कर्म की चर्चा की गई अर्थात शरीर आदि का कर्ता भी ये आत्मा है अंतरंग की अपेक्षा से भी आचार्य भगवान ने यहाँ पर कहा है इसलिए वहाँ उन्होंने इंद्रिय शब्द का गाथा में कर्णाणी करण शब्द का प्रयोग किया करण का मतलब होता है इंद्रिय अंतरंग में हमारे जो पांचों इंद्रियां हैं अंतरंग की अपेक्षा से उनका कर्ता यदि हम आत्मा को स्वीकार करते हैं यह जो शरीर है ये तो हमें बहिरंग से दिख रहा है लेकिन जो इंद्रियों के माध्यम से यह आत्मा देख रही है यदि कोई व्यक्ति ऐसा मानता है कि मेरी इंद्रियां ही देख रही हैं तो इंद्रियां तो पुद्गल रूप में हैं पुद्गल तो जड़ है वह तो अचेतन है उसमें जानने देखने की शक्ति कैसे प्रकट हो सकती है लेकिन व्यवहार में ऐसा कहा जाता है कि हाँ इंद्रिय से मैंने देखा अर्थात आँख से मैंने देखा कां से मैंने सुना वास्तव में तो आत्मा सुनती है आत्मा देखती है लेकिन फिर भी व्यवहारने से उन इंद्रियों को करने वाला आत्मा को कहा जाता है इसलिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर इंद्रियों का कर्ता आत्मा को माना है वो व्यवहार ने की अपेक्षा से भैया जी यदि किसी को कोई जन्म देता है तो उसका कर्ता उसे ही तो माना जाता है तो इसमें आपत्ति क्या है व्यवहारने से तो मानने में कोई आपत्ति नहीं है व्यवहार से तो माना ही जाता है यदि किसी ने किसी को जन्म दिया व्यवहार से मानने में कोई आपत्ति नहीं है व्यवहार से तो माना ही जाता है यदि कोई किसी को जन्म देता है तो वह उसका कर्ता कहा ही जाता है कि ये पुत्र किनका है इनका है अर्थात ये पिता कहलाए लेकिन निश्चय की अपेक्षा से देखें तो क्या आत्मा किसी को जन्म दे सकता है क्या आत्मा किसी को मरण करा सकता है अर्थात करता पने की यहाँ पर बात चल रही है निश्चय की यहाँ पर बात चल रही है व्यवहार से निमित्त बनने में आपत्ति नहीं है लेकिन तद्रूप परिणमन होना जैसा कि हमने पूर्व की गाथाओं में पढ़ा था द्विक्रियावाद का जहाँ पर प्रसंग उपस्थित होता है कि वह स्वयं उस रूप परिणमित हो गया उपादान कारण स्वयं ही बन जाता है वो प्रसंग यहाँ पर हमें ग्रहण नहीं करना है इसी बात को यहाँ पर कहा गया है और इसीलिए जैसे उदाहरण में हम जानते हैं कुम्हार को घटका करता माना जाता है लेकिन निमित्त की अपेक्षा से कि कुम्हार के निमित्त से घड़ा बना लेकिन वास्तव में निश्चय नहीं की अपेक्षा से तो जो मिट्टी है वह घड़े रूप में परिणमित हुई ठीक उसी प्रकार यहाँ पर समझना चाहिए इस गाथा का पद्यानुवाद देखें करता कुम्हार घटका व्यवहार से है वो क्योंकि निश्चित सहायक भाई से है होता उसी तरह जीवन में करता नो कर्म कर्म मन का जिन शक्ति भरता जो जिनेन्द्र भगवान स्वरूप रूप जो शक्ति है उसको जो धारण करने वाला वह जीव है वह निमित्त की अपेक्षा से वहाँ पर निमित्त करता होता है लेकिन यहाँ करता क्यों नहीं होता क्योंकि जो उपादान करता है वह स्वयं उस रूप में परिणमित होता है उसी बात को आचार्य भगवान अगली गाथा में कह रहे हैं कर्ता को व्यवहार ने से स्वीकार करने में आपत्ति नहीं है लेकिन कर्ता स्वीकार करने में आपत्ति है देखें अगली गाथा जय दिसो पर दिसो परदी करी जियेण तमो हो जीजिय मेण तमो हो जम्हा तमो तेन जम्हा तमो ते सोणते सिंहवदिकता सोणते सिदिकता बोलिए ज दिसो पर दिजयेण तमो जम्हाण तमोतेण सोणते सिंहवदिकता जो परद वाणीय करमो हो जम्हामो सोणते इस गाथा का एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं जदि सो पर चर्चा चल रही है आत्मा को व्यवहारने से तो कर्ता माना जाता है लेकिन निश्चय से आत्मा कर्ता नहीं है क्यों नहीं है कर्ता उस बात को यहाँ पर बता रहे हैं अर्थात यदि सो अर्थात वह आत्मा परद्रववाणी परद्रव्यों को करिज्य अर्थात करता है यदि वह आत्मा अन्य परद्रव्यों को करता है तो नियमेण नियमेण अर्थात नियम से तमओ अर्थात तन्मय उसी रूप में होज्य मतलब हो जाए जब आत्मा यदि उन परद्रव्यों को करने वाला करता माना जाएगा तो वह आत्मा नियम से तन्मय उसी रूप में हो जाएगी जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा की थी निमित्त कारण और उपादान कारण पहले हम उसको अच्छी तरह से समझ लें निमित्त कारण का तात्पर्य है किसी भी क्रिया के होने में कार्य के होने में कोई कारण बनना जैसे घड़ा बनने में कुम्हार निमित्त कारण है लेकिन जो मिट्टी है वो स्वयं उपादान कारण है मिट्टी स्वयं घड़े रूप में परिणमित हुई है यहां पर यही बात कह रहे हैं कि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यदि वह आत्मा अन्य पर द्रव्यों को करता है तो वह नियम से उसी रूप में परिणमित हो जाता है जैसे मिट्टी स्वयं घड़े रूप में परिणमित हो जाए जम्हा तमो तेण और लेकिन क्योंकि न तमो आत्मा जो है वो तन्मय होता नहीं है क्या आत्मा कभी घड़े रूप में परिणमित हुआ क्या आत्मा स्वयं उस पर पदार्थ के करने में स्वयं में हुआ अर्थात स्वयं तद्रूप बना अर्थात नहीं बना तेण इस कारण से सो अर्थात वह आत्मा ऋण मतलब नहीं तेसिम अर्थात उन पर पदार्थों का हवदिकत्ता करता होता है और इसी कारण से वह आत्मा उन पर पदार्थों का करता नहीं होता है क्या मतलब उपादान कारण रूप जो आत्मा है वह स्वयं आत्मा अन्य पर पदार्थ रूप परिणमित नहीं होता है जब अन्य पर पदार्थ रूप परिणमित नहीं होता है तो फिर वह उनका कर्ता कैसे हो सकता है गाथा का एक एक शब्द का अर्थ फिर से समझें यदि सो परद्रवाणी करिज्य अर्थात यदि वह आत्मा परद्रव्यों को करता है यदि परद्रव्यों का कर्ता हम आत्मा को मानते हैं तो फिर नियम से वह आत्मा परद्रव्य रूप में परिणमित होगा अर्थात परद्रव्य रूप में तन्मय होगा उसी रूप हो जाएगा और जब ऐसा होता नहीं है जम्हा क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि आत्मा परद्रव्य रूप में परिणमित हो जाए क्या एक द्रव्य अन्य द्रव्य रूप में परिणमित हो सकता है अर्थात नहीं हो सकता इसलिए कह रहे हैं तीसरी पंक्ति में जम्हान तमो अर्थात क्योंकि वह आत्मा जो है वो तन्मय नहीं होता उस पदार्थ रूप नहीं होता तेन इसी कारण से निश्चय नहीं की अपेक्षा से सो मतलब वह आत्मा हवदी कत्ता न अर्थात उन पर पदार्थों का उदगल द्रव्यों का कर्ता नहीं कहा गया है निश्चय नहीं की अपेक्षा से यह गाथा कही गई है पिछली गाथा में हमने व्यवहार की अपेक्षा से समझाता व्यवहार ने की अपेक्षा से घट पट रथ आदि शरीर आदि नवकर्म कर्म द्रव्य कर्म इन सबका कर्ता आत्मा कहा गया है यह व्यवहार की अपेक्षा से है लेकिन निश्चय की अपेक्षा से क्यों नहीं है क्योंकि निश्चय में अथवा उपादान कारण जहाँ पर उपस्थित हो जाता है जहाँ पर आत्मा पर पदार्थों का कर्ता होता है वहाँ पर कर्ता तब माना जाएगा जब वह स्वयं तद्रूप परिणमित होगा और आत्मा स्वयं अन्य पर पदार्थ रूप में परिणमित नहीं होता है और जब नहीं होता है तो फिर हम उसे पर पदार्थों का कर्ता कैसे मान सकते हैं अर्थात आत्मा अन्य पर द्रव्यों का पर पदार्थों का कर्ता नहीं है गाथा का भावार्थ देखें यदि वह आत्मा पर द्रव्यों को करे तो नियम से वह तन्मय अर्थात पर द्रव्यमय हो जाएगा अर्थात उसी रूप में परिणमित हो जाएगा क्योंकि वह तन्मय नहीं होता वह आत्मा जो है वो अन्य पर पदार्थ रूप में परिणमित नहीं होता और इसी कारण से वह अर्थात आत्मा करता नहीं है अन्य पर पदार्थों का करता नहीं माना गया है भैया जी आत्मा घटपट आदि का करता होने पर उसमें तन्मय कैसे हो जाता है आत्मा को घटपट आदि का कर्ता मानने पर उसमें तन्मय कैसे हो जाता है आप स्वयं विचार करें क्या आत्मा घटपट आदि रूप में तन्मय होता है उत्तर मिलेगा नहीं होता यही बात तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं देखिए निमित्त कारण और उपादान कारण जिसके निमित्त से वह कार्य सिद्ध हो रहा है वह कहलाएगा निमित्त कारण कुम्हार के निमित्त से घड़ा बना लेकिन क्या कुम्हार स्वयं घड़े रूप में परिणमित हुआ उत्तर मिलेगा नहीं हुआ उपादान कारण का ही यहाँ पर अभाव यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं मिट्टी स्वयं उपादान कारण है मिट्टी घड़े रूप में परिणमित हुई है वो तो हमें स्वीकार है लेकिन क्या कुम्हार स्वयं घड़े रूप में परिणमित हुआ है उत्तर मिलेगा नहीं हुआ इसी तरह जो आत्मा है वह अन्य पर पदार्थों का व्यवहार ने से करता कहा जाता है लेकिन जब हम निश्चय की बात करेंगे तो क्या आत्मा अन्य पर पदार्थ रूप में बना तद्रूप परिणमित हुआ अर्थात नहीं हुआ जब वो अन्य पर अन्य पर पदार्थ रूप में परिणमित नहीं हुआ तो फिर वो उनका कर्ता कैसे हो सकता है और इसी बात को आचार्य भगवान यहाँ पर बार बार कह रहे हैं निश्चय नहीं की अपेक्षा से इसलिए आत्मा को अन्य पर पदार्थों का कर्ता नहीं माना गया है भैया जी तो फिर आत्मा वास्तव में कर्ता किसका है द्रव्य संग्रेजी में एक गाथा आती है उसका अंतिम चरण है शुद्ध नया शुद्ध भावाणम आत्मा किसका करता है अपने स्वयं के शुद्ध भावों का करता है जिस प्रकार उदाहरण में हमने समझा कुम्भार निमित्त कारण है लेकिन स्वयं उस जो घड़ा बना उस घड़े में जो उपादान है वो कैसे बना वह कौन है वह है मिट्टी मिट्टी स्वयं घड़े रूप में परिणमित हुई है उस घड़े में जो उपादान कारण है वह स्वयं मिट्टी है ठीक उसी प्रकार यहाँ पर समझना चाहिए आत्मा स्वयं अपने शुद्ध भावों का करता है अन्य पर पदार्थों को करने वाला वह नहीं है निमित्त और उपादान को अच्छी तरह से समझना चाहिए निमित्त के बिना कार्य संभव नहीं होता लेकिन वह जो निमित्त है वह यदि स्वयं उपादान रूप में परिणमित हो जाएगा तो फिर उसके निमित्त होने का क्या फायदा होगा फिर हम उसे निमित्त के रूप में कैसे स्वीकार करेंगे जो हम यहाँ बार बार उदाहरण से समझा रहे हैं जैसे कोई स्वर्णकार है वो सोने को किसी कंगन रूप में परिणमित करता है लेकिन वह स्वर्णकार वह सुनार क्या स्वयं उस कंगन रूप पे परिणमित हुआ कंगन रूप जो बना वह जो पुद्गल बना वह उस सोने की पर्याय से ही तो वह सोना ही तो वहाँ पर कंगन बना वह मिट्टी ही तो वहाँ पर घड़ा बनी ठीक उसी प्रकार जो स्वयं तन्मय हो जाए उसका कर्ता हम मान सकते हैं घड़े का वास्तविक कर्ता कौन घड़े का वास्तविक कर्ता है मिट्टी उस सोने के कंगन का वास्तविक कर्ता कौन वास्तविक कर्ता है वहां पर वह स्वयं सोना उसी तरह जीव आत्मा है इसका जीव आत्मा वास्तव में किसका करता है वो स्वयं अपने भावों का करता है निमित्त व्यवहार से है उपादान की अपेक्षा से बात करेंगे तो इस गाथा में निश्चय नहीं की बात की गई है आज की जो हमने दोनों गाथाएं पढ़ी पिछली गाथा में व्यवहार ने की अपेक्षा से हमने चर्चा की थी उसमें लोक व्यवहार में ऐसा कहा जाता है इन सबका कर्ता आत्मा है लेकिन निश्चय ने की अपेक्षा से जब कथन किया जाएगा तो निश्चय में तो वह पदार्थ अन्य पर पदार्थ रूप में ही वह आत्मा अन्य पर द्रव्य रूप में ही तन्मय हो जाता है और चूंकि वो तन्मय होता नहीं है आत्मा आत्मा रहता है पर पदार्थ पर पदार्थ ही रहता है इसी कारण से निश्चय नहीं की अपेक्षा से आत्मा को किसी भी प्रकार का किसी भी अन्य पर द्रव्य का कर्ता नहीं माना गया है कुमार निश्चय से बनाता। क्यों कुंभ रूप ढल तन मय हो न पाता कर्त्री स्वकार्य कार्य घट की का आता है का है रहा बहुत अच्छी तरह से उदाहरण से आचार्य भगवान कह रहे हैं मानते हैं निश्चय नहीं की अपेक्षा से भी कुम्हार उस घट को बना रहा है लेकिन क्या वह कुम्हार उस कुंभ रूप में घड़े रूप में परिणमित हुआ क्यों तन में नहीं हो पाता क्योंकि जो मिट्टी है वो अपने कार्य की घट कार्य रूप में जो परिणमित हो रही है उसकी कर्तृ उसकी करने वाली उसका करने वाला वह मिट्टी है उसी तरह निज का अर्थात आत्मा का जो निज आत्मा है वही भाव जो है शुद्ध भाव है वही उसका करता माना गया है जय जिनेन्द्र इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है मानक चंद कमला देवी राकेश नीतू ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ बी एक सौ तेईस कॉलोनी जयपुर राजस्थान श्री पारस नाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड दुर्गापुर वन वर्धमान पश्चिम बंगाल अमिता जैन वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन संगीता जैन वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन स्वर्गीय श्रीमती अनंतमती मोतीचंद शाह की स्मृति में सुपौत्री आभा आयुषी सुपौत्र आदित्य सुपौत्री मुग्धा अभिजीत शाह डॉक्टर केत की तुषार भट्ट पुत्र श्री हर्षवर्धन धन्य कुमार पुत्र वधु रोहिणी दयानंदा पुत्री श्रीमती भारती श्रीमती उज्ज्वला डॉक्टर कल्पना आशा स्मिता दीपमाला एवं समस्त वाडीकर परिवार अरुण कुमार अग्रवाल आम्रपाली फैशन रेणु अग्रवाल अनुश्री अग्रवाल अंशिता अग्रवाल बी वन नाइन्टी सेवन एच आई जी नंदग्राम गाजियाबाद गर्व गौतम जैन सुपौत्र अशोक कुमार रतन लाल जैन नूतन गौतम प्राची आदित्य महिमा सलोनी निरंजन अरहन आराध्य, तारदेव अंधेरी मुंबई श्री जनार्दन प्रसाद जी श्रीमती पटंती देवी मुकेश कुमार साक्षी हितार्थ ईशा मोना खंडार श्री किशोर खंडार श्रीमती सुषमा खंधार परिमल खंधार अहमदाबाद